नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अक्षर बल्ली एक बार फिर से आप सभी का आप ही के इस लर्न टू लीड ट्यूटोरियल्स में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसके द्वारा पूरे भारत में मौजूद बच्चे जो शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं 100% निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं। इस चैनल में हम आपको UGC, NET, JRF, CTET, PTET, KVS, NVS, MED, BED और इससे संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। ये चैनल भारत का 100% निःशुल्क सोशल एजुकेशनल चैनल है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, इसको जितना ज़्यादा हो सके आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों में शेयर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। ताकि आपको, और इसका बेल बटन जरूर दबाइए ताकि आपको जो डेली की हमारी अपडेट्स हैं मिलती रहें, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं UGC, NET, JRF, CTET, PTET हिंदी पेपर 2 की तैयारी। हिंदी पेपर 2 के अलावा और भी विषयों के बारे में हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और पेपर 1 की भी साथ साथ तैयारी करवा रहे हैं। इसलिए हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए उनको अगर आप बेल बटन दबा देते हैं तो आपको हमारी डेली की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आती रहेंगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए हमारा बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हमारे और भी विषयों के बारे में जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कर रहे हैं इस टाइम आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग का आगे अगला भाग, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल साहित्यिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है। इस युग में हिंदी की अनेक नई विधाओं का विकास हुआ, जिसमें भारतेंदु हरीशचंद्र का विशेष योगदान रहा। ये काल खड़ी बोली, ब्रजभाषा व गद्य लेखन की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है। अब हम बात करें सामाजिक कुप्रथाएं एवं सुधारक संस्थाओं के बारे में कि उस समय पे कौन कौन सी सामाजिक कुप्रथाएं थी और क्या क्या सुधारक संस्थाएं थी, ठीक है। अब भारत में असंख्य कुप्रथाएं एवं अंधविश्वासों ने भारतीयों को कुप मंडूक बना रहा था, ठीक है। क्या कहते हैं कि भारत में असंख्य कुप्रथाएं और ऐसे अंधविश्वास थे जिन्होंने भारतीयों को कुप मंडूक बना रखा था। ऐसे में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता महसूस की गई। राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आदि महापुरुषों ने भारतीय जनता को जागृत करने का कार्य किया। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसाइटी आदि की स्थापना भी की गई, ठीक है। अभी जो यहाँ पे हम सुधारक संस्थाएं हैं वो करने लगे हैं। अब हम बात करते हैं ब्रह्म समाज की, बाह्य समाज की। बाह्य समाज क्या है? आधुनिक भारत की नींव पर पहला पत्थर राजा राम मोहन राय ने रखा। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। कर्म कांड और अंधविश्वास का विरोध करने के लिए इन्होंने उपनिषदों का प्रयोग किया, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने कर्म कांड और अंधविश्वासों का विरोध किया और उपनिषदों का प्रयोग किया और मूर्ति पूजा को धर्म का बाह्य आडंबर माना, ठीक है। जाति प्रथा को राष्ट्र विरोधी और अमानवीय बताया। जाति प्रथा को राष्ट्र विरोधी और अमानवीय बताया। उन्होंने विधवा विवाह और स्त्री पुरुष के समान अधिकार का भी समर्थन किया। नेक्स्ट है हमारा प्रार्थना समाज। 1867 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के प्रयासों में केशव चंद्र सेन के प्रयासों से मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, जिसके उन्नायक महादेव गोविंद राडाडे थे। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों व कुरीतियों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष भी किया। वे धार्मिक व सामाजिक समस्याओं का तर्कपूर्ण उत्तर देते थे। वे जाति व्यवस्था को अस्वीकार करते थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा व विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया, ठीक है। प्रार्थना समाज में क्या हुआ? प्रार्थना समाज में कि केशव चंद्र सेन के प्रयासों से मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई और जिसके उन्नायक महादेवी गोविंद रनाडे थे। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों व कुरीतियों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष किया।
वे धार्मिक व सामाजिक समस्याओं का तर्कपूर्ण उत्तर देते थे। वे जाति व्यवस्था को अस्वीकार करते थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा व विधवा पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहित किया। अब रामकृष्ण मिशन में क्या था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण की शिक्षाओं, उपनिषद एवं गीता के दर्शन तथा बुद्ध व यीशु के उपदेशों को आधार बनाकर विवेकानंद ने मानव मूल्यों की शिक्षा दी। उन्होंने सर्वप्रथम समभाव की घोषणा की और धार्मिक मामलों में संकीर्णता की निंदा की। उन्होंने देशवासियों से स्वतंत्रता, समानता एवं स्वतंत्र सोच धारण करने की भी अपील की। विवेकानंद एक महान मानवतावादी थे तथा उन्होंने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से मानवीय सहायता और सामाजिक कार्य को अपना सर्व प्रमुख उद्देश्य बनाया। उन्होंने अध्यात्मवाद और भौतिकवाद के संतुलन पर भी बल दिया, ठीक है। अब है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना मुंबई स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में हिंदू धर्म और संस्कृति के उन्नयन हेतु की। पूरे देश में राष्ट्रीय भावना का संचार करने एवं राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार करने का श्रेय भी इन्हें ही दिया जाना चाहिए। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ का प्रकाशन हिंदी में किया। केशव चंद्र सेन के सुझाव व इन्होंने आर्य समाज का सारा कामकाज हिंदी में ही आरंभ कर दिया। केशव चंद्र सेन के सुझाव पर आर्य समाज ने अनेक संस्थाओं की स्थापना की तथा पत्र पत्रिकाओं, उपदेशों, पुस्तकों, शास्त्रार्थों के अनुवाद हिंदी में किए तथा हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। साथ ही हिंदी गद्य को समृद्ध कर उसे नवीन दिशा प्रदान की। इन सब के अतिरिक्त अंग्रेजी ढंग से स्कूलों की स्थापना व अंग्रेजी शिक्षा से भी समाज को आधुनिक बनाने में मदद मिली, ठीक है। इन सब से क्या हुआ, अंग्रेजी शिक्षा को आधुनिक बनाने में जो है शिक्षा को आधुनिक बनाने में क्या हुआ, मदद मिली, ठीक है फ्रेंड्स। प्रेम, नई अर्थ प्रेस, नई अर्थव्यवस्था, यातायात आदि से आधुनिकता को बढ़ावा मिला। औद्योगिकीकरण संचार साधनों में वृद्धि में भारत को नई गति मिली। सांस्कृतिक जागरण संबंधी संस्थाएं कौन कौन सी हैं। संस्था है एक ब्रह्म समाज, उसके संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय जो 1828 में हुई। फिर प्रार्थना समाज, केशव चंद्र ने 1867 में। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद 1897 में। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती 1875 में। थियोसोफिकल सोसाइटी, मैडम ब्लावस्की ने, ठीक है, मैडम ब्लावस्की ने 1875 ईस्वी में की। अब भारतेंदु युग, ये हमने किया था भारतेंदु युग से पूर्व का समय। अब हम बात कर रहे हैं भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग का उदय हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के संदेशवाहक युग के रूप में हुआ। उसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरीशचंद्र के रचना काल को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा या प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 ईस्वी में आरंभ हुआ। कवि वचन सुधा का ये क्या है, एक मासिक पत्रिका है कवि वचन सुधा, ठीक है, जिसका संपादन किसने किया है, भारतेंदु ने किया है। और ये प्रकाशित कब हुई, 1868 ईस्वी में हुई। अतः भारतेंदु युग का उदय भी 1868 ईस्वी, ठीक है, 1925 विक्रमी से मानना उचित है। भारतेंदु जी का रचना काल 1868 से 1865 ईस्वी तक रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का प्रकाशन 1903 ईस्वी में संभाला था। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी से शुरू हुआ।
अतः 1868 से 1900 ईस्वी तक की अवधि को भारतेंदु युग कहना समीचीन है। ये युग वस्तुतः हर क्षेत्र में पुनर्जागरण का युग है। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक, शिक्षा आदि क्षेत्रों में कुछ नयापन दिखाई दे रहा है। पुनर्जागरण से नवीन प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला। भारतेंदु जी का युग आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार है। इसे संक्रांति का युग भी कहते हैं। ये युग प्राचीन परंपराओं और मर्यादाओं को की रक्षा करते हुए भी नवीन राजनैतिक और सांस्कृतिक चेतना को लेकर आगे बढ़ा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा युग? भारतेंदु युग। और इसी युग में मध्यवर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का भी चित्रण हुआ। साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे निबंध, नाटक तथा आलोचना का सूत्रपात भी इसी युग में आरंभ हुआ। अतः साहित्यिक दृष्टि से ये युग विशेष उल्लेखनीय माना जाता है। ठीक है, अब हम बात करें कि विद्वानों के अनुसार भारतेंदु युग की व्याप्ति का समय। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने इसका जो बोला है वो है 1926 से 1945 विक्रमी तक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं 1927 से 1957 विक्रमी तक। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ला कहते हैं 1922 से 1957 विक्रमी तक। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार 1925 से 1957 विक्रमी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियों के बारे में। ठीक है, भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियाँ कि उस समय पे क्या क्या, उस काल की क्या काव्य की क्या प्रवृत्तियाँ थी, क्या विशेषताएँ थी। भारतेंदु युगीन कवियों का काव्य फलक अत्यंत विस्तृत है। उनकी रचना प्रवृत्तियाँ एक और भक्तिकाल और रीतिकाल से अनुबद्ध हैं तो दूसरी ओर समकालीन परिवेश के प्रति जागरूकता का भी अभाव नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? भारतेंदु कवियों का काव्य फलक अत्यंत विस्तृत है। उनकी रचना प्रवृत्तियाँ एक और भक्तिकाल और रीतिकाल से बनी हुई हैं, अनुबद्ध हैं तो दूसरी ओर समकालीन परिवेश के प्रति जागरूकता का भी अभाव नहीं है। उसमें जागरूकता भी है। प्रवृत्तियों का विश्लेषण निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। फर्स्ट है राष्ट्रीयता की भावना। भारतेंदु युगीन कवियों ने भारतीय जनमानस में देश प्रेम की अलख जगाई। क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर वे संपूर्ण राष्ट्र की नब्ज को टटोलने लगे। भारतेंदु जी की विजयिनी विजय वैजयंती, प्रेम घन की आनंद अरुणोदय, प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया संवत राधा कृष्णदास की भारत बारहमासा और विनय शीर्षक कविताएं देशभक्ति की प्रेरणा से युक्त हैं। ये तो फ्रेंड्स हम जानते हैं, ये सारी हमने पढ़ी हैं। प्रेम घन ने हार्दिक हर्षादर्श कविता में इस स्वार्थपूर्ण शासन प्रक्रिया के लिए भी ईस्ट इंडिया कंपनी को ही दोषी ठहराया है। राधाचरण गोस्वामी की कविता हमारो उत्तम भारत देश एवं राधा कृष्णदास की कविता भारत बारहमासा आदि कविताएं देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं हैं। भारतेंदु जी की कविता का एक उदाहरण जिसमें अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण का चित्रण प्रस्तुत है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मूसे, जाहिर बातन में अतितेय, क्या सखी साजन नहीं अंग्रेज। ठीक है, कि भीतर भीतर सब रस चूस लिया हमारा, हंस हंस के हमारा तन मन धन सब कुछ उन्होंने लूट लिया, हमसे छीन लिया। जाहिर बातन में अति तेज, बातों में इतने तेज हैं, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। तो फिर साजन अंग्रेज क्यों नहीं है, मतलब उनको उन्होंने क्या किया है, अंग्रेजों से उनको मिलाया हुआ है उन्होंने। ठीक है, अब है नेक्स्ट है हमारा समाज की दुर्दशा का चित्रण तथा सामाजिक चेतना। कवियों ने सामाजिक जीवन की उपेक्षा ना कर जनता की समस्याओं के निरूपण की ओर पहली बार व्यापक रूप से ध्यान दिया। भारतेंदु युग में नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, अस्पृश्यता आदि को लेकर जो सहानुभूतिपूर्ण कविताएं लिखी गईं उनके प्रतिपाद्य की नवीनता ने सहृदय समुदाय को विशेष रूप से आकृष्ट किया। मध्यवर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण किया तो दूसरी ओर रूढ़ियों का विरोध करते हुए विकास चेतना की आकांक्षाओं को
भी अभिव्यक्ति दी। युगीन समस्याओं की जानकारी ऐसे कवियों को भी पूरी तरह थी, किंतु उनके समाधान के लिए वे परंपरागत धर्मशास्त्र को ही आधार बनाना चाहते थे। भारतेंदु ने भारत दुर्दशा नाटक में वर्णाश्रम धर्म की संकीर्णता का इन शब्दों में विरोध किया। बहुत हमने फैलाए धर्म, बढ़ाया छुआछूत का कर्म, मन की लहर में प्रताप नारायण मिश्र की दृष्टि बाल विधवाओं की करुण दशा की ओर गई है। कौन करे जो नहीं कर कसकत, सुनी विपत्ति बाल विधवन की। भारतेंदु और प्रताप नारायण मिश्र ने समाज की पीड़ा को क्रमशः इन शब्दों में व्यक्त किया है। ठीक है फ्रेंड्स, रो बहु सब मिली आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। तन्ही लखेओ जह रक्षो एक दिन कंचन बरसत, तह चौथाई जन रुखी रोटे को तरसत। जह आमन की गुठली अरुविरछत की वी छोले, ज्वार चून महमेल लोग परिवार पाले। नान तेल लकड़ी घास ऊपर टिकस लगे जह, चना चिरौंजी मोल मिले जह दीन प्रजा का। ठीक है फ्रेंड्स, अब है हमारा प्राकृतिक चित्रण। भारतेंदु युगीन कवियों ने प्रकृति का स्वच्छंद रूप में चित्रण किया है। वसंत, वर्षा, शरद आदि ऋतुओं का सुंदर व मनोहारी चित्रण किया है। चांदनी रात में गंगा, यमुना, सरस्वती का जीवंत चित्रण किया है। भारतेंदु कृत वसंत होली में वसंत ऋतु तथा चंद्रावली नाटका में यमुना का सुंदर वर्णन किया गया है। तरन तनुजा तट कमाल तरवर बहु छाए, झुके फूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। ठीक है, अब है श्रृंगारिकता की बात करते हैं। भारतेंदु युग में कवियों ने श्रृंगार का विशद वर्णन किया है। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का चित्रण इस युग के कवियों ने नायक नायिका के रूप में किया है। भारतेंदु जी की अनेक रचनाएं जैसे प्रेम सरोवर, प्रेम आश्रु, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी आदि में श्रृंगार का विशद वर्णन हुआ है। एकंगी बिनुकार ने एक रस सदा समान, पिए ही गने सर्वस्व जो सोई प्रेम प्रमाण। भारतेंदु प्रेम के उच्च आदर्श को लेकर श्रृंगार वर्णन में प्रवृत्त हुए हैं। शारीरिकता और वम अश्लीलता को प्राय स्थान नहीं दिया गया है। संधि को प्राप्त नायिका का सुंदर दृश्य उदाहरण से स्पष्ट है। ठीक है, सी सुताई अजो ना गई तंते, तौ जो बन ज्योत बटोरे लगी। सुनकै चर्चा हरिश्चंद की, कान कूक दे बुह मरोरे लगी। ठीक है फ्रेंड्स, बच सासू जेठानिन सो पियते दूर घूंघट में दृग जोड़े लगी। दूल्हे उल्हे सब अंगनते, दिन है ते पीयूष निचोरे लगी। भारतेंदु ने विरह वर्णन का भी वर्णन किया है। उन्होंने वियोग की विभिन्न अनुभूतियों की व्यंजना अत्यंत स्वाभाविक शब्दों में की है। प्रियतमा एक ही गांव में रहते हुए प्रियतम के दर्शन को सदा उत्कंठित रहती है। एक ही गांव में बास सदा घर पास, इहो नहीं जानत है पुनि पांचवें साथ में आवत जाए, कि आस न चित में आनत है। हम कौन उपाय करें इनको, हरिश्चंद्र महा हठ बठानत है। पिए प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखियां दुखियां नहीं मानत है। कहीं कहीं विरह वेदना व्याधि के रूप में भी होती है, मरण दशा के समीप पहुंच गई है। ठीक है फ्रेंड्स, हास्य एवं व्यंग्य। भारतेंदु कवियों ने हास्य एवं व्यंग की रचनाएं भी की हैं, परंतु उनका हास्य उद्देश्यपूर्ण है। इस काल के कवियों ने तत्कालीन अंग्रेजी शब्द शासन, अंधविश्वास, रूढ़ियों आदि पर प्रहार किया है। नए जमाने की मुकरी में उन्होंने अंग्रेजी पुलिस खिताब आदि पर व्यंग किया है। कपट कटारे ही मैं हुलिस, क्यों सखी सज्जन नहीं। ठीक है, भारतेंदु जी ने सामाजिक कुरीतियों पर पर्याप्त व्यंग किया है। एक उदाहरण देखिए, मुँह जब लगी लागे तब नहीं छूटे, जात मान धन सब कुछ लूटे, पागल करे मह करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब।
हास्य व्यंग की प्रवृत्ति का पूर्ण विकास भारतेंदु के नाटक पाखंड विडंबन वैदिक हिंसा हिंसा ना भवती अंधेरी नगरी तथा प्रताप नारायण मिश्र की कविताएं बुढ़ापा उर्दू का सयापा हर गंगा आदि में हुआ है। अंधेर नगरी में चूरन बेचने वाले का अंग्रेजी की साम्राज्यवादी नीति पर प्रस्तुत व्यंग है। चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंदू हजम कर जाता। भाषा व शैली की बात करें तो भारतेंदु काल में मुख्यतः मुक्तक और गीति शैली का प्रयोग हुआ है। ब्रज भाषा मुख्य रही है। इनके अतिरिक्त खड़ी बोली उर्दू बंगाली गुजराती में काव्य रचना हुई। इस युग के कवियों ने दोहा चौपाई कुंडलिया हरिगीतिका कवित जैसे छंदों में काव्य की रचना की। इस युग के कवियों ने सामयिक समस्याओं पर भी काव्य लिखे। इस युग में भारतेंदु एक श्रेष्ठ साहित्यकार थे जो सच्चे अर्थों में आधुनिक काल के जनक कहलाते हैं। भारतेंदु युगीन कवि व उनकी कृतियाँ। भारतेंदु युग में दो प्रकार के कवियों की श्रेणियाँ आती हैं, एक भारतेंदु मंडल के कवि तो दूसरे अन्य कवि। भारतेंदु मंडल के कवियों में बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन प्रताप नारायण मिश्र ठाकुर जगमोहन सिंह बाल मुकुंद गुप्त अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास प्रमुख हैं। वह अन्य कवियों में नवनीत चतुर्वेदी गोविंद गिल्ला भाई दिवाकर भट्ट रामकृष्ण वर्मा और दुर्गादत्त व्यास प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग आर वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।